दिखाऊंगा प्रूफ। पहले मैं, मेरा यकीन मान लो, मैंने एक चैनल पर एक वीडियो एक यूनिक ट्रिक के साथ अपलोड किया तो वो वीडियो औरों से 99% मुझे ज़्यादा व्यूज ला के दिया। सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए दोस्तों, मैंने अपने चैनल को ओपन करके रखा है और अपने चैनल के उस वीडियो को ओपन करके रखा है जो कि सबसे ज़्यादा व्यूज मुझे हाल ही में ला के दिया है। तो ये देख लीजिए, इस वीडियो पर 104,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं और इस डॉलर से ये वीडियो से मुझे $27 की अर्निंग हुई है और 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे इस वीडियो ने एक मंथ के अंदर ला के दिए हैं। अब देख लीजिए इस पर मैंने ऐसे कौन सी ट्रिक यूज की है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले डिफरेंस देख लीजिए कि इस पर इतने व्यूज है और वीडियो पर अदर वीडियो पर इतने कम व्यूज क्यों हैं। अब देख लो, ये जैसे कि मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, इस पर 1,700 व्यूज आ चुके हैं, अपडेट नहीं हुए हैं लेकिन 1,700 व्यूज आ चुके हैं। और ऊपर देखोगे तो 1,700, 3,000, 2,700, 1,500, 4,000, 3,000 इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं। और ऊपर 1,00,000 व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो ट्रिक यूज नहीं की है। इस वीडियो में वो ट्रिक यूज की है सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक और इसने 1,04,000 व्यूज एक मंथ के अंदर मुझे ला के दिए हैं। अब इसमें मैंने ऐसे कौन से ट्रिक यूज की है तो वो सबसे पहले देख लीजिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये वीडियो है और इस वीडियो के अंदर, ये एक जीके का वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रखा है जो कि नॉर्मल या एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है। वो कैसे, अब ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको ये पढ़ने नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन ऐसा है कि नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान क्यों मरता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस किसी के सामने ये वीडियो जाएगा वो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेगा। क्यों? क्योंकि YouTube के अपडेट के अनुसार कोई भी वीडियो किसी के सामने जाता है तो उसको थंबनेल में जो लिखा है वो पढ़ने का मौका तक नहीं मिलता है, वो वीडियो प्ले होने लगता है। तो मुझे पता था कि वीडियो प्ले हो रहा है तो मैंने क्या किया, इस जीके क्वेश्चंस को मैंने सबसे पहले नंबर पर इसलिए रखा था क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान क्यों मरता है। तो लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर जानने की एक मतलब क्यूरियसिटी उसके मन में आ जाएगी। तो मैंने यही सोचकर ये क्वेश्चंस मैंने सबसे पहले रखा था। अब यही क्वेश्चन मैंने किसी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर या बीच में कहीं रखा होता तो ये वीडियो भी इनकी तरह रहता, 2,000, 3,000 या 1,500 व्यूज यही तक रहता। लेकिन मैंने वो ट्रिक यूज की और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि इस वाले वीडियो पर 1,04,000 व्यूज आ चुके हैं। मुझे भी ये पता नहीं थी, मैंने यूज करके भूल गया, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये वीडियो अदर वीडियो से इतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छी तरीके से क्यों कर रहा है। तो मैंने जब गौर किया तो मेरी समझ में ये आया कि हाँ, मैंने उस वक्त ये ट्रिक यूज की थी, इसकी वजह से मुझे इतने सारे व्यूज जो है आ चुके हैं। अब आपको क्योंकि यार हमारा तो चैनल जीके का नहीं है तो हम व्यूज कैसे लिए, तो मैं आपको अभी 4 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, हो सकता है 3 या 4 या 5 भी हो सकती है, लेकिन जो जेन्यून है वो आपको बताने वाला हूँ। अब जीके के अंदर मैं एडिटिंग के लिए कुछ दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें एडिटिंग कुछ होती नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई अदर कैटेगरी का चैनल है तो सबसे पहली टिप्स आपको ध्यान में ये रखनी है कि पहले शुरुआत के 10 सेकंड के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने वीडियो पर काम करना है। काम क्या करना है, जैसे कि एडिटिंग आप पहले 10 सेकंड तक, शुरुआत के 10 सेकंड तक बहुत ज़्यादा दिखाओ एडिटिंग की उसके अंदर, क्योंकि YouTube के अंदर थंबनेल पढ़ने का मौका YouTube नहीं दे रहा है, सीधे वीडियो प्ले हो रहा है। तो इस वजह से प्ले होते ही उनके अंदर पहले 10 सेकंड के अंदर व्यूअर को अच्छा लगना चाहिए, वीडियो में कुछ एडिट ऐसा करो, एडिटिंग मतलब धार धार एडिटिंग चलनी चाहिए वीडियो के अंदर पहले 10 सेकंड के अंदर, तो व्यूअर को क्या लगेगा, वीडियो मतलब अमेजिंग लग रहा है तो वीडियो के ऊपर आपको वो क्लिक करेगा और जरूर ही देखा। भले ही आपकी वीडियो 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद कैसे भी नॉर्मल ही क्यों ना हो, लेकिन पहले 10 सेकंड आपको ये ध्यान में रखना है कि वीडियो में आपको हद से ज़्यादा एडिटिंग करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्ट 2 मतलब दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि आपको वो कैटेगरी चूज मतलब वो टॉपिक चूज करना है जिसकी ब्रॉड ऑडियंस हो। बिना ब्रॉड ऑडियंस का कोई कैटेगरी आप चूज कर लेंगे तो नॉर्मल सी बात है उस पर व्यूज आएगी नहीं, एक लिमिटेड व्यूज आके वो वीडियो रुक जाएगी। अगर ब्रॉड ऑडियंस वाली कोई वीडियो कैटेगरी आप चूज करोगे तो जाहिर सी बात है ना, वो ब्रॉड ऑडियंस है तो वो अनगिनत लोगों के सामने जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मतलब एक बात रह गई पहले वाली टिप्स की,
अब नॉर्मल आप वीडियो आओगे, मतलब कैमरा चालू किया, आप यहाँ पर आके बैठ गए, नॉर्मल कुछ वीडियो में 2-3 मिनट बोले और वीडियो एडिट कर दिया, अपलोड कर दिया, ऐसी वीडियो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी फिलहाल के लिए सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूवर्स नहीं है। ये टिप्स उनके लिए वर्क करती है जिनके पास ऑलरेडी व्यूवर है, सब्सक्राइबर है। वो कैसे भी करे वीडियो, आए यहाँ पर बैठे, वीडियो शूट किया, थोड़ी बहुत एक दो एडिट कट कहाँ कहीं पर हो तो कर दिया और अपलोड कर दिया। वो उनके लिए वर्क करती है क्योंकि उनके पास व्यूवर है, सब्सक्राइबर है। लेकिन आप नए हो, आपके पास ना तो व्यूवर है ना तो सब्सक्राइबर है, तो ये ट्रिक आपके लिए वर्क नहीं करेगी। नॉर्मल बनकर आपको वीडियो नहीं बनानी है, वीडियो के अंदर आपको एडिटिंग करनी है, अच्छी अच्छी एडिटिंग करनी है, कुछ ऐसा करना है जो कि लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूवर नहीं है, नॉर्मल आके बैठोगे, कुछ बोलोगे और वीडियो अपलोड करोगे, लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर और व्यूवर नहीं है। तो ऐसा आपको करना है कि जिस वजह से आपके पास व्यूवर प्लस में सब्सक्राइबर्स आए, वो कैसे आएंगे, आपकी प्लस में एडिटिंग से और एक तरीके से ब्रॉड ऑडियंस के जरिए आपके साथ ये हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी बात ये है, तीसरी टिप्स ये है दोस्तों कि थंबनेल आप जो बना रहे हो, थंबनेल के ऊपर बहुत सारा कुछ टेक्स्ट लिख के मत रखो, क्योंकि टेक्स्ट लिख पढ़ने के लिए यूट्यूब टाइम नहीं दे रहा है, समय नहीं दे रहा है। जब तक वो उसके सामने वीडियो जा रही है आपकी, 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद वो तुरंत प्ले होने लग रही है, तो टाइम कहाँ बच रहा है व्यूअर के पास कि आपका थंबनेल पड़े, वो सीधे वीडियो प्ले हो रहा है। हाँ, कोई पढ़ना ही चाहता है तो किसी ऊपर की, मतलब जो वीडियो वो देखना चाहता है, उसका थंबनेल पढ़ना चाहता है, इसके उसके ऊपर की या तो उसके नीचे की वीडियो प्ले करेगा, तो फिर वो एक बार बैक आके वो जो आपका वीडियो है उसका थंबनेल पढ़ सकता है, क्योंकि वो वीडियो प्ले नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी दूसरी वीडियो प्ले हो रही है उस समय, ऐसे पढ़ सकता है। लेकिन ऐसा कौन करेगा इतने अंदर जाके? तो ध्यान में रखना है, थंबनेल के अंदर आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो कि कम हो लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्स्ट हो, ये ध्यान में रखना है। और एक बात दोस्तों ये आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो थंबनेल होगा फुल एचडी के अंदर, अल्ट्रा एचडी के अंदर सेव करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कैसे भी थंबनेल बनाओगे वो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फुल एचडी में नहीं दिखेगा, तो वो प्ले मतलब लोगों को क्लिक थ्रू रेट मतलब लोग क्लिक करेंगे नहीं आपके थंबनेल पर, आपके वीडियो पर। अगर आपका वीडियो या वीडियो का थंबनेल फुल एचडी के अंदर, अल्ट्रा एचडी के अंदर रहेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग को मतलब वो साफ सुथरा लगेगा, फुल एचडी में लगेगा, तो क्लिक करने के वो आपके वीडियो पर उस चांसेस बढ़ेंगे लोगों के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये 2-3 ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मुझे जेन्युइन लगती है, खुद मुझे लगती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। आपको ये ध्यान में जरूर ही रखनी है, आपका वीडियो 100% वायरल जा सकता है ये ट्रिक आप जब अप्लाई करोगे तो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आपके सामने इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने स्पेशल और फ्रेश वीडियो के अंदर।